वेलकम बैक मार्जिन और टेक्निकल एनालिस्ट। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो के Y33s फोन के बारे में। हाँ जी गाइस, अगर आप भी यूज करते हैं वीवो Y33s फोन, तो गाइस अपने फोन को जो कि लॉक स्क्रीन पे अपना नाम कैसे लिखेंगे। गाइस अगर आप भी चाहते हैं अपने वीवो Y33s फोन जो कि लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिखना, तो गाइस आप यहां से अपने फोन के जो कि लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस आप यहां से अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जरिए बिल्कुल अपने वीवो Y33s फोन में जो कि अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिख सकते हो। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, गाइस वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने वीवो Y33s फोन में जो कि लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिख के दिखाते हैं। गाइस यहां देखिए आपको हमारा फोन दिखेगा साइड में, एंड गाइस आपको अपने फोन को जो कि लॉक स्क्रीन पे नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैं इसका लिंक होता डिस्क्रिप्शन में, एंड गाइस आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि ऑलवेज ऑन MOLED। तो हम यहां आपको प्ले स्टोर पे दिखा देते हैं। पहले यहां पे क्लिक करो, यहां पे आपको ये सर्च करना पड़ेगा, ऑलवेज ऑन MOLED का एप्लीकेशन है तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम देखिए इसको ओपन करते हैं। ओपन कर दिया, यहां पे कुछ आपके पास एनवेलप का ऑप्शन आएगा। सबसे फर्स्ट में आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करोगे आपको यहां पे मिलेगा कस्टमाइज, तो यहां पे कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना है। यहां देखिए आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक स्टाइल मिलेगा। क्लिक स्टाइल जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से अपने फोन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम हार्डन पे क्लिक दिए, अनगेस यहाँ पे डेट स्टाइल जो भी आपको चाहिए यहाँ पे डेट पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको भी हम हार्डन कर देते हैं। अनगेस यहाँ पे बैकग्राउंड वॉलपेपर आप यहाँ से अपने फोन में जो कि वॉलपेपर ले सकते हो, बैकग्राउंड का वॉलपेपर देखिए सिलेक्ट कर दिए। अनगेस यहाँ आपको बैटरी इंडिकेटर मिलेगा और यहाँ पे आपको हार्डन पे क्लिक करना, यहाँ से आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से कैंसिल करते हैं। उसको फॉन्ट मिलेगा आपको, जो भी फॉन्ट चाहिए आपको, चाहे पतला चाहिए चाहे मोटा, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए स्टाइल में करना चाहोगे नाम को लिखना यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम डिफॉल्ट वाला फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर लिए। अनगेस यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज में हम देखिए इसको 18 एनगेस इसको 73 कर देते हैं, 73 कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट कलर मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कलर चाहिए आपको, हम देखिए यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर दिए। एनगेस यहाँ पे कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिलेगा मीमो टैक्स, तो गाइस मीमो टैक्स पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फोन में अपना नाम लिख सकते हो, जो भी नाम लिखना है। तो हम देखें यहाँ पे फिलहाल अभी जो कि ऑलरेडी पहले से लिखे हैं टेक्निकल इंग्लिश, तो गाइस हम यहाँ से इसको ओके कर दिए। टेक्स्ट साइज मिलेगा आपको यहाँ पे, टेक्स्ट साइज जो जितना भी बड़ा चाहते हो अपने फोन में, तो यहाँ पे देखिए हम इसको करते हैं 53 कर दिए। एनगेस इसको ओके कर दिए, ओके कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना और यहाँ पे देखिए हम अपने फोन को लॉक करने वाले हैं और देखते हैं हमारे फोन को जो कि लॉक स्क्रीन पे हमारा नाम सेट हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए अपने फोन को हम लॉक कर दिए। एनगेस लॉक करने के बाद आपको देखिए बस ऐसा करना और यहाँ पे देखिए हमारे फोन में टेक्निकल अखिलेश लिख के शो हो गया है। तो गाइस आप भी यहाँ से अपने बिल्कुल वीवो Y33s फोन जो कि लॉक स्क्रीन पे अपना नाम लिख सकते हो। गाइस तो उम्मीद है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस तो मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।